अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। बेसिकली ये क्यू एंड ए एक वीडियो होगी, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट के अंदर मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने इस मोबाइल के ऊपर स्क्रीन शॉट खींचे हुए हैं, तो मैं बोल ही देता हूँ। और वैसे तो मैंने इन कमेंट की रिप्लाई कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे इस चैनल पे नए भी हैं, उनके लिए ये ज़रा बेहतर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों का पहला कमेंट पढ़ता हूँ। ये कमेंट है अब जानी साहब का। जानी साहब उन्होंने लिखा है, मेरे पास दो जोड़े हैं और वो मटकी में नहीं जाते, मैंने एक मंथ से शौक स्टार्ट किया हुआ है, प्लीज़ मुझे कोई हल बताएं। और मैंने इनका रिप्लाई इनको किया भी था, तो इसका मैं अब आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये इनसे मैंने पूछा था, इन्होंने कहा है मुझे अभी न्यू स्टार्ट किया है, मैंने तकरीबन मुझे अभी एक मंथ हुआ है इनको रखे हुए। तो बेसिकली इनके लिए होता क्या है, इसको आपने सॉफ्ट फूड लाजमी देना, पेयर को डेली सॉफ्ट फूड दें, मुख्तलिफ सॉफ्ट फूड जो उनसे होते हैं, मैंने गंदम का भी बताया हुआ है, मिक्स दालों का भी बताया हुआ है, उसके बाद पालक भी बताई हुई है, और उसके बाद हमने एग फूड का भी मैंने एक बताया था आपको, और छली का बताया था। ये सारी चीज़ें आप लाजमी दें, और मस्ट इनको पहले नंबर पे प्राइवेसी लाजमी दें, और ये पेयर इंशाल्लाह ज़रूर ब्रीड करेंगे, इस बात की टेंशन नहीं है। और सेकंड कमेंट है जी आबद भाई का ही है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि तो क्या खुराक दें कि ब्रीड जल्दी आए। ये इसका जवाब मैंने आपको दे दिया अभी, सॉफ्ट फूड दें, मिक्स दाना जो उनसे मिलता है तोतों का वो आप दें, उसके अलावा आप इनको प्राइवेसी लाजमी दें, ठीक है। और कोशिश करें कि एक बड़ा केज लेके तो उसके अंदर सारे बर्ड्स मिक्स कर दें, ताकि जल्द से जल्द वो पेयरिंग कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बर्ड ड्रीम्स वालों का, कि भाई कॉकटेल ने ब्रीड की और बजीज के लिए माशाल्लाह। तो कॉकटेल का मैं आपको बता दूं, कॉकटेल अभी ब्रीड के लिए रेडी नहीं है, ये अभी एज पूरी नहीं हुई इनकी, इनकी एज पूरी होनी है जनवरी के अंदर। तो मैं जनवरी के अंदर वैसे इनको बॉक्स दे दूंगा, तो वैसे चांस नहीं है कि ये इस साल ब्रीड करें, नेक्स्ट सीज़न में हो सकता है या ब्रीड करें या लास्ट में जाकर ये ब्रीड कर सकते हैं। तो उसके बाद एक कमेंट दूसरा आबद भाई का या आबद जानी साहब का। जानी साहब कहते हैं जी माशाल्लाह भाई आपकी वीडियो देखकर मेरा शौक और ज़्यादा होता है, तो थैंक यू जानी भाई आपका। तो मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, पहले मैं भी इस तरह के लोगों की वीडियो देखता था, और अब काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं कह चले मैं भी अपना शौक आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इसके बाद एक वीडियो है, एक कमेंट है, ये केज के बारे में पूछ रहे हैं, टोटल खर्चा कितना आया था आपका इस सेटअप के ऊपर। तो बर्ड्स का तो है नहीं मैं कर सकता, क्योंकि मुख्तलिफ बर्ड्स हैं, कुछ बच्चे हैं कुछ बड़े हैं, और वो आप अपना हिसाब लगा लीजिएगा। बाकी मैंने लास्ट वीडियो में अपना बताया भी था कि इस केज के ऊपर मेरा 1500 रुपया खर्चा आया, मैंने सिर्फ जाली ली थी और दो दिन लगा के मैंने ये केज तैयार किया था, 8 पोर्शन का केज है। और इसके बाद बाकी ये जो क्या कहते हैं इनके पानी वाला पॉट और जो दाने वाला, तो ये भी 10-10-15-15 रुपये की एक एक कॉली मिली थी मुझे, ये लगाई है इसके। और ये मटकियाँ वगैरह आपको पता ही है मिल जाती हैं आसानी से। और उसके अलावा अगला कमेंट है उनका कि लोग हीट के लिए एग देते हैं बजीस को उबाल कर, उसके बारे में कुछ बता दें। अच्छा आबद भाई, इसका आप लोगों ने करना क्या है, एग फूड जो सा होता है वो बेसिकली आपने एक अंडा, मुर्गी का अंडा उबाल लेना है, और उसको आपने या तो ब्रेड ले लेनी है या आपने रस ले लेनी है, और उसको आपने अच्छी तरह स्मैश करके ऐसे कर लेना है जैसे कि मिट्टी नहीं होती, मतलब फुल हो जाता है, चूड़ा चूड़ा कर लेना उसको, ठीक है। उसके अंदर आपने अंडे को भी लेके अंडे को हाथ में पकड़े हैं, उबला हुआ अंडा, तो उसको भी इस तरह स्मैश कर लें और उसको उसके साथ मिक्स कर लें, वो जितना भी रस या ब्रेड होगी वो उसके साथ मिक्स हो जाएगी, तो वो आपने मिक्स करके बना के तो वो आप इनको दें। वो हीट पे लाने के लिए भी होता है, लेकिन मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो करें, क्योंकि अभी मौसम कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से उसको मोशन लगने के चांस है। जब ज़्यादा ठंड हो तो तब आप ज़रूर इस्तेमाल कराएं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और नेक्स्ट कमेंट है जी फहद जमील साहब का, भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छी है बट थोड़ा ऊंचा बोला करें, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आती है।
तो इसी के लिए मैंने आज की वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। आवाज़ का दरअसल ये है कि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो कैमरा ज़रा पीछे होता है ताकि पूरी जगह कवर हो सके, और माइक मेरे पास अभी है नहीं, माइक भी इंशाल्लाह आ ही जाएगा कभी ना कभी। तो बाकी आज की वीडियो में देखिएगा, आज की वीडियो में छोटा सा एक जुगाड़ लगाया, तो अगर तो वो कामयाब हो गया तो नेक्स्ट इस टाइम वीडियो हैंग करेंगी आपके पास। तो बाकी वीडियो बहुत अच्छी है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे ऐसी वीडियो ला सकें। और आगे एक भाई का कमेंट है बर्ड लवर का, भाई लूज़ मोशन लगने के भी चांस हैं पालक से? जी हाँ, पालक से लूज़ मोशन लगने के चांस हैं। वो दरअसल ये है कि अगर आप डेली उनको पालक देना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप देखें कोई एक ही चीज़ आप अगर डेली खाएं तो आपका खुद का भी पेट ख़राब हो सकता है। तो ये तो बर्ड है, बेचारा बेजबान जानवर है, आप इसके साथ अगर ऐसा करेंगे तो इसको इमोशन लग सकते हैं, और पालक वैसे भी गर्म होती है। तो आजकल के मौसम में आप सिर्फ हफ्ते में एक बार दें, और बाकी जब सर्दियों का सीज़न आ जाए तो आप इनको तकरीबन दो दिन कर लें, तीन दिन के बाद आप इनको पालक डेली लाजमी दिया करें, क्योंकि उसके अंदर आयरन होती है और ये जो होते हैं ये हीट पर भी लाने के लिए होते हैं। बाकी अगर एग लेइंग कर रही है तो आयरन वगैरह की जो भी कमी होती है बर्ड के अंदर वो पूरी हो जाती है। तो ये थे जी आज के हमारे कुछ सवाल और उनके जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका जवाब ज़रूर दूंगा। और हर हफ्ते के हफ्ते एक ऐसी ही Q&A वीडियो बनाऊंगा ताकि जिन भाइयों के भी जो सवाल आते हैं वो क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं मिलूँगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।